वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, खैर वापस से होंगे इंशाल्लाह। और आज मैं बना रही हूँ लज़ानिया। इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे बोनलेस चिकन का कीमा और साथ ही एक छोटा सा प्याज लिया है जिसको मैं कीमे में ऐड कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ साइड पे करके, ये देखिए। और यहाँ मैंने साइड पे रखा है पानी बॉयल करने के लिए, जिसमें हम अपने लज़ानिया के ऐड करेंगे पत्ते। अभी मैं इसमें लूँगी थोड़ा सा ऑयल। तो अभी हम इसको डन कर लेते हैं पहले, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे इसमें नमक मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए जो जो आपको डालना है। मैं डाल रही हूँ 1 टी स्पून सॉल्ट, रेड चिली, गरम मसाला। पता है ये कहते हो यूरोपीय डिश, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हमें क्या चटपटा अच्छा लगता है सारा कुछ। बिल्कुल भी हम बहुत ज़्यादा भी चटपटा नहीं करेंगे, लेकिन ये है थोड़ा सा अपना देसी टच लेंगे। और सूखा धनिया कर दिया मैंने थोड़ा सा, तो ये चीज़ें मैंने इसमें यहाँ डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही ये भुन जाएगा फिर आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या करूँगी। ओके जी, इधर अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन या, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर पेस्ट। ऐड करेंगे इसमें टोमेटो केचप, कुछ इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है रेड और ऑरेंज कैप्सिकम। आपके पास ग्रीन है तो ग्रीन डाल लीजिए, मेरे पास ग्रीन अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने ये दोनों डाल लिया। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ा पक जाए। ओके जनाब, तो अब हम करने लगे हैं यहाँ पे वाइट सॉस तैयार, जिसके लिए हमने लिया है 1 चम्मच बटर, 1/4 चम्मच हम इस बटर को मेल्ट होने के लिए रखेंगे, तो साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच मैदे का। चलो इसमें डालते हैं 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच मैदा। तो बस बटर जैसे ही हमारा मेल्ट हो जाएगा हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। तो साथ ही हमने डाल दिया बटर के अंदर 1 चम्मच मैदे का, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। आपकी लज़ानिया की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, मेरा लज़ानिया बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हम डालेंगे ऑलमोस्ट 1 कप दूध, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप बेशक नाप के डाल लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी ताकि जो इसके लम्स हैं वो ना बने और ये जो लम्स हैं भी वो सब खत्म हो जाए। तो इसको हम थिक होने देंगे और यहाँ हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ये सॉल्ट है, थोड़ा सा वेनिक कम कर रही हूँ। साथ ही हम ऐड कर लेंगे इसमें वाइट पेपर, थोड़ी सी और डालेंगे। और सॉस जो है हमारी वहाँ देखें ठीक हो गई है, इसे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और सॉस को हम साइड पे कर लेंगे। इसको हमने अब साइड पे कर दिया। अभी हम यहाँ डालेंगे पैन में वाइट सॉस, इस तरह से हम इसको लगाएंगे अपने जिसमें भी आपने बनाना है उसमें। आप पहले नीचे वाइट सॉस की लेयर लगाएं, उसके बाद आप ये लज़ानिया का रखेंगे। बड़ा है तो थोड़ा काट लीजिए, अगर आपके पास बड़ा साइज़ का है जिसमें भी आप बना रहे हैं तो फिर आपको काटने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने 2 बनाने हैं, ऐसे में बना रही हूँ। मेरे पास जो दूसरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं इसको इसमें बनाऊँगी।
अब इसमें हम डालेंगे जो अपनी हमने चिकन की सॉस बनाई थी, इस तरह से हम इसको डालेंगे। अच्छे से इसको फैला लें। इसके ऊपर अब हम कोटिंग करेंगे चीज़ की, साइडों पे हम चीज़ डालेंगे। और दोबारा से ये प्रोसीजर अब हम ये करेंगे कि जैसे हमने पहले किया था सारा वही करेंगे, दोबारा से व्हाइट सॉस की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर फिर से हम वैसे ही एक प्लेट रखेंगे। सो ये देखिए, दोबारा से हम इस पर लसानिया की लेयर लगा देंगे। इसको साइड से मैं काट लूँगी, अगर नहीं काटूँगी तो फिर ये सूख जाएगा। आप चाहें तो कीमे का बना सकते हैं, मुझे कीमा इतना पसंद नहीं है इसलिए मैं चिकन के कीमे से बना रही हूँ। दोबारा से हम इस पर इसको डाल देंगे। ये देखिए, आप चाहें तो जितनी मर्जी लेयर्स लगा लीजिए अपने पैन में, मैं सिर्फ अपने लिए दो लेयर्स लगा रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे बस इतना ही थिक पसंद है, इससे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी लेयर्स लगा लीजिए। तो इसकी जो लास्ट फॉर्म है वो है ये। अब इसको हम ओवन में डाल देंगे। चीज़ आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी ऐड कर लीजिए, जितना आपको पसंद है। अब इसको बेक करने के लिए हम ओवन में डालेंगे। लज़ानिया हमारा हो गया रेडी, इसके ऊपर हम डालेंगे ओरिगैनो। तो अब हम इसको खाएंगे, बहुत ही यम्मी लग रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।